दोस्तों आज हम आयल वानी आर्या आयन बल्या डेयरी फार्म पे, ये अरवले में है। अरवल में है एक गांव झुनाठी। ये ऐसे तो अरवल का मुख्य पार्ट है और बॉर्डर पड़ता है पटना का। तो कुछ खास बातचीत जो कई वीडियो में रहल वानी वो छूट गया है, वही हम खास बातचीत करल चाहतनी। सर ये हमारा बताइए कि हम लोग भोजपुरी तो नहीं लेकिन मगही जरूर बोल लेते हैं। मगध का जो भाषा का जो मेन शक्ति रहा है मगधी, शायद अशोक सम्राट भी जो है मगधी थे, मगध में काफ़ी दिन राज किए हैं, तो उन्होंने मगध में जो मगही भाषा जो अपना है वो हमारा विस्तृत होना चाहिए, अपना खुद का जो लैंग्वेज है। तो हम एक कहत वाले कि सर कहिए कि ये जो नेपियरवा है ये मतलब का लोगों के जीवन में बदलाव लावेगा? देखिए नेपियर के बारे में पहले तो सोचना पड़ेगा कौन नेपियर लगाए। अच्छा कौन सा नेपियर लगाए पहले ये सोचने है। हाँ सोचना होगा। जैसे अच्छा। नेपियर तो एक ऐसे नेपियर आता है जिसमें 5-6% प्रोटीन है। जी जी एक सुपर नेपियर है। अब तो तरह तरह के लोग नाम बदल दिया है। सच्चाई बात है कि उतना तरह का नेपियर न है। जी जी है ना। हम मुख्य रूप से मानते हैं कि थाईलैंड और इंडोनेशिया प्रजाति का नेपियर है सुपर नेपियर। जी जी तो थाईलैंड प्रजाति में जैसे कुछ कुछ पौधा में लाल रहता है ना, देखना रहे लाल जैसा। जी जी थाईलैंड प्रजाति माना जाता है। जाड़ा में थोड़ा पतला पतला है। जी जी अब जैसी धूपा लगेगा तो मोटा हो जाएगा। तो सर जैसे आप इसमें बताइए कि एक पेड़ में कितना नेपियर आता एक होगा? पेड़ में अभी गिन दीजिए तो कम ना होगा। देख सकते हैं 70 से 100 हम ऐसे गिन लेते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनाएगा नहीं, मतलब 100 मान लीजिए। तो नहीं अगर कितना गिनिएगा सर? अगर फरवरी के बाद जो है ना इसमें मोटा मोटा ताना निकलेगा और इस 100 प्लस से रहेगा फरवरी के बाद। हाँ फरवरी के बाद 100 प्लस रहेगा। तो सर एक चीज़ हम आपसे राय लेना चाहते हैं, अगर जो युवा है या बिहार के अंदर अरवल के अंदर कोई आपके साथ फार्मिंग सीखना चाहता है या वो नेपियर मंगवाना चाहता है तो कंसल्ट का क्या साधन है आपसे? आप अपना नंबर। नेपियर के लिए तो सीधा आ सकते हैं लोग, डायरेक्ट आ सकते हैं। हाँ अगर सीखने की बात है जी तो 10-20 मिनट रोज हमसे बात कर सकते हैं मोबाइल से। मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। हाँ बता 99-390-96-148 और फॉर्म पर भी आके विजिट कर सकते हैं। फार्म पे आके विजिट कर सकते हैं जो संभव है, और इस तरह से आप बात कर सकते हैं, आकर के सर से डायरेक्ट रूप से मिल सकते हैं। क्या क्या चेंजमेंट आपके लाइफ में करना है ये आपको एक रास्ता है या आपको वो सब कुछ दे हाँ, सकते हैं? जो है हम बता जो सच्चाई है सच्चाई, वो कोई फोकस यहाँ नहीं है। तो सर एक नेपियर जो है इसका टाइमिंग क्या है, जो लगाने से लेकर के उत्पादन तक के जो इसका पहला प्रोडक्शन जो है कितने महीनों में कंप्लीट करता है? फरवरी 15-20 फरवरी से ही लगाया जा सकता है। जाड़ा में तो हम ना किसी को सजेशन देते हैं। फरवरी 15-20 को लगाना है? हाँ 15-20 फरवरी से एकदम नवंबर तक लगा सकता है लोग। नवंबर हाँ अक्टूबर नवंबर तक लगा सकते। हाँ जाड़ा में 2-3 महीना नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना समझ ना, पाला जैसी गिरता है तो इसका ग्रोथ नहीं, आँख मर जाता है, नहीं जन्म मौती होता है, बहुत कुछ बात है। मॉइस्चर जमीन में ज़्यादा बन जाता है पटेला के बाद। जी जी तो दिक्कत होता है। लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है। 3 महीना जो खेत हम परित जैसा रखेंगे उसमें हम एक पैदा निकाल लेंगे, जई चाहे बरचिम कोई चीज़ निकाल के गाय को दे देंगे। जी जी, है ना जी। तो हाँ ये भले कर सकता है कि अगर बीज ले जाए अक्टूबर में चाहे कभी भी अगर खेत में फसल है तो थोड़ा सा जगह में बीज तैयार कर ले। जैसे मान लीजिए 1000 स्टिक ले गया 5 कट्ठा के लिए, तो 4 चटाई में 6-6 इंची पर गाड़ के पौधा तैयार कर लेगा 6-8 इंची का, फिर कबार के रोप देगा तो उससे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर कबार के भी रोपा जाता है। हाँ बहुत अच्छा। अभी हम करेंगे ना 10 कट्ठा लगाना है और नेपियर, तो हम पौधा नर्सरी तैयार करेंगे पहले कबार का। अभी उसमें हम जई लगाए हैं तो जई हम कहे पर बात कर दें। जी जई काट के खिलाएंगे 2 कार्टन, इसके बाद में नेपियर उसमें हम नर्सरी 10 दिन के बाद काटेंगे गुली, 10 दिन के बाद नर्सरी में हम डालेंगे गुली को। सर इसमें प्रोटीन कितना मात्रा में अवेलेबल है? 14 से 18। इस पौधे के अंदर अगर सर बोल रहे हैं कि 14 से 18% प्रोटीन होता है, सर इसमें ग्लूकोज कितना मात्रा में होता है? ग्लूकोज तो बहुत है, आप चीप के देखिए ना 30% मान ले कि 80% 30-35% तो 30-35% ग्लूकोज मतलब शुगर का मात्रा। हाँ। और पानी का है। फाइबर भी वही मान के चलिए। फाइबर कितना सर? फाइबर 26-30% हो जाएगा। 30% फाइबर भी? ये के चलते हम कह रहे हैं ना फाइबर तो पता चल जाता है गाय के गोबर से। जी जैसी नेपियर खाता है गोबर सब तो सही एकदम हो जाता है। तो फिट डालते थे यो गोबर से। आप इसका क्या इसके साथ सूखा चारा भी ड्राई फोल्डर भी नहीं, मार्च मार्च से नहीं, मार्च से प्योर चलता है। मार्च से अक्टूबर तक 100% नेपियर। नवंबर
दिसंबर जनवरी फरवरी थोड़ा सा सूखा चारा, चार महीना सूखा चारा, हाँ, चार महीना हल्का सूखा चारा, लेकिन हम प्रयास में है कि अगले साल से माने अगला जो जाड़ा आएगा उसमें भी प्योर हम सुपर नेपियर पर रहे, इसी के चलते 10 कट्ठा और लगा रहे हैं। एक खास बातचीत में आप ऐसे चीज़ों का देते हैं बदलाव या बताओ तो लोगों का बहुत फायदा पहुंचता होगा। तो सर एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, बोलते हैं लोग इसमें बहुत कांप होता है, सही बात है? कांप क्या होता है, उतना कांप अब हाँ दुफरिया उफरिया काटिएगा तो थोड़ा लगता है, ऐसे सुबह शाम तो कोई दिक्कत तो ना। तो सर ये घास जो है गर्मी में जैसे फतिंगी होता है बिहार में बहुत ज्यादा अप्रैल महीने, देखिए बगल में सूडान लोग लगाए हुए थे जी जी। उसको क्षति पहुंचा दिया था, लेकिन मेरा नेपियर में तो ना क्षति पहुंचाया, नेपियर में नहीं 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 पहुंचाया था, नेपियर फिर वापस हो गया। हाँ, नेपियर के पत्तों कहाँ खाया, इसका मतलब 12 महीना हो सकता है, 12 महीने जितने टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इसका ग्रोथ होगा। तो ये तो बड़ा बदलाव होगा, अगर बिहार के अंदर कोई घासें नहीं जो 12 महीना उत्पादन देगा। जो किसान 2 बीघा का है जी, किसान बुरा ना माने ये बात को जी, बहुत किसान होता है 10 कट्ठा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा इस तरह से होता है ना किसान जी। अब मान लीजिए कि 2 बीघा का किसान है, उसका जमीन साधारण मीडियम ऊंचाई पर है, 2 बीघा के में धान रोप के 5 गो गाय के सालों गौ जुटा लेगा? नहीं जुटाएगा। अब 5 गाय के लिए अगर 1 बीघा में वो नेपियर लगा देगा तो सालों में एकदम लिखित दे दूंगा कि सालों हरा चारा सूखा चारा कर सकता है, उसको नहीं पड़ेगा। अब दूध प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा इसके दूध पर? देखिए जो गाय 10 लीटर करती है उसका 1.5 से 2 लीटर 1.5 लीटर तो निश्चित है कि दूध बढ़ जाता है। और सेहत में कितना? सेहत में तो कहने ना, सेहत और फैट एसन में तो कहने ना, ये तो मैं देख लिया ना 18-20 दिन नेपियर नहीं चला तो 4 के नीचे हो गया फैट, नेपियर 4-5 दिन से चल रहा है तो 4+ हो गया, 4-6 तक चल जा रहा है अभी। अच्छा तो सर ये बताइए कि ये जो है गाय पालने में एनिमल हस्बेंड्री में श्वेत क्रांति ला पाएगा क्या? 100% अगर कोई बदलाव लाएगा तो यही ला सकता है? यही लाएगा, बिना हरा चारा, हरा चारों में कौन उत्तम क्वालिटी का है जी जी, जो ज़्यादा कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन दे, जैसे बहुत हरा चारा है, यही ना हम कह रहे हैं कि इसका जोड़ का कोई चारा नहीं है, है लेकिन 3 महीना के लिए है, मान लीजिए शुगर गैरेज लगाए सेम यही मान के चलिए, लेकिन सीजनली है सब, तो फिर तो हमको भाड़ा ट्रैक्टर का पटवन खाद बीज किसान तो मजदूर मिलता नहीं है, एक बार हम लगा देंगे तो इसमें तो मजदूर का कोई काम ना है, 5 गाय तो अपना हूँ हम हरा चारा काट के काम कर लेंगे जी। इसमें कोई लेबर का ना है, जो गवत काटेंगे उससे गर्दा उड़ता है, इसमें तो गर्दा भी नहीं है। सर कितना गैप में इसको लगाना चाहिए? 2x2 पर लगा सकते हैं, 2x3 पर भी लगा सकते हैं, 2x2 2x3 हाँ, लगाते समय 2x3 पर ज़्यादा अच्छा है। लगाने के बाद कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करना है? अगर घर का गोबर है तो सीधे गोबर डालिए, पूरा गोबर डाल पाती, पूरा गोबर डाल हाँ, जितने गोबर डलवाइएगा उतने कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगा डीएपी का। इसमें नमी सर कितना % खेत में परमानेंट बना के रखना है? इसका पानी जान होता है सुनते हैं? नहीं, बिना पानी के ही संभव नहीं है? नहीं, पानी इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है जी जी, 15 दिन पर एक पटवन अगर पट जाए, 10 से 15 दिन पर काफ़ी है, 15 दिन पर एक पटवन लेकिन देना है हाँ। तो हर 15 दिनों पे इसको एक बार पटाना चाहिए, और लगाने का भी प्रोसेस बता दिया गया है सर। 2 आँख होता है गुल्ली में, 2-3 आँख, 2 आँख है, 1 आँख में अंतर है जी जी। हम 2 आँख का अपन घर का गुल्ली है, हम तो 4 आँख का लगा सकते हैं जी जी, और 1 आँख के भी लगाए, जितना अच्छा 1 आँख का जन्मौती है ना जी जी, उतना अच्छा 2 आँख का नहीं। 2 आँख में दिक्कत कहाँ आता है कि मान ले कि 3 इंची के या 4 इंची के अंतराल पर आँख है, तो 1 आँख हम गाड़ देंगे 2-3 इंची जी, जैसे मान लीजिए ये है अंतराल 6 इंची का है अंतराल जी जी, तो मान ली कि 1 आँख ही हो गया, 1 आँख ही हो गया जी, और हम गाड़ दिए इतना तो 4 इंची गड़ गया जी, ये जो है जैसे पटवन मिलेगा तो ये आँख सड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नीचे मिट्टी है, और जब आँख सड़ जाएगा ना तो यहाँ से पौधा भी सड़ जाता है। अच्छा, तो ये आँख फेंक देगा, निश्चित है कि फेंक देगा जी, लेकिन इसका जड़ जमीन के पास जाने में 3 इंची गैप है जी जी, बस मर है ना जी, तो 3 इंची जड़ को पहुंचने में यहाँ से सूखने लगता है जी, ये हम देख लिए। ये नहीं कोई कह सकता है ना कि हम 2 आँख का दे रहे हैं तो 2 इंची चाहे 3 इंची के गैप है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? 1 इंच, 1 आँख, 1 आँख में 1 आँख पूरा यहीं से कटेगा, नीचे वाला कमोर है कोई दिक्कत ना, ऊपर का भाग जड़ से अति जो इसका गिरह है, गिरह से ऊपर वाला भाग थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, और गिरह थोड़ा सा मिट्टी में डाल दीजिए 1/2 इंची 1 इंची, देखिए कितना मजबूत तना निकलेगा इससे।
ये तो हम देख लिए, इतना डीप में जानकारी आप जनता के दे रहे हैं, हम तो प्रयोग में क्या फायदा है? आप लगता है कि बदलाव जो बिहार के अंदर भारत में इतना बिहार के लोग फोन कर रहे हैं जी जी और बात को समझते हैं जी, बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत प्रभाव पड़ रहा है सर। प्रतिदिन कम से कम 10 कॉल आता है रात्रि में, लोगों को कह दिए कि रात्रि में कॉल कीजिएगा 7 से 9 साढ़े 9 तक, तो रात्रि में एनी टाइम हम डिस्टर्ब रहते हैं जी जी, और हमको अच्छा लगता है जी। नेपियर के बारे में, चाहे फीड के बारे में, चाहे ब्रीडिंग के बारे में, सेहत के बारे में बहुत कुछ लोग राय लेते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, अब कुछ कुछ किसान सच्चाई को पकड़ रहा है। आप अब इस सेक्टर में, एक अरवल में तो दोनों भाई क्रांतिकारी रहे हैं, और आपके योगदान के बिना ये सब चीज़ बदलाव संभव नहीं था, ये आपकी ढींढ सोच का परिणाम है। देखिए, और लोग इसको अभी हम आपको देंगे, सुन लीजिए, अभी हम 25% अपना को मान रहे हैं, 25% 100% में जी, हम अभी 75% पूरे बिहार को करके दिखा देंगे। 75% आओ इसमें ध्यान दीजिए, तब लगेगा कि अरे बंदा ये तो बहुत आगे सोच गया है। तो डेयरी से लेकर के साथ में फार्मिंग, कई फार्मिंग, हाँ हाँ एकदम निश्चित बागवानी के तरफ निश्चित बहुत कुछ करने वाले हम हैं। तो हम इसी चलते बिहार में कहीं भी कुछ पता चलता है तो हम जाते हैं। तो एक जितना जो कलेक्शन है, जितने नए नए जो आइडियाज हैं, जितने नए नए प्रयोग हुए हैं, इन सबको कैच करके इन्होंने जिस तरह से अपने अनुभव के आधार पर यहाँ लाए हैं, एक अविश्वसनीय है अरवल के लिए, और नया बदलाव का किरण बनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।